तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ आपका हॉस्टेंडेस्ट मयंक। अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ भर्तारी केव, भर्तारी की गुफा। राजा भर्तारी ने वहाँ पे 12 साल तपस्या की थी। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, आगे चलते हैं। बहुत मंदिर है, बहुत सारे। अगर हम उसे करने चले तो शायद एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता भी कम पड़ जाए। बहुत मंदिर है यहाँ पे, बहुत सारे महादेव के। आगे बढ़ता हूँ अपनी भर्तारी केव की ओर, दिखाता हूँ मैं आपको। राजा भर्तारी की 3 पत्नियाँ थी। राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगा पे मोहित था। राजा उस पे आग बंद करके भरोसा करता था। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। राजा ने उनका खूब आदर सम्मान किया। उससे खुश होकर गुरु ने राजा को एक फल दिया और राजा को कहा, ये फल तुम खा लो, इससे तुम जिंदगी भर जवान रहोगे। राजा ने वो फल अपनी तीसरी पत्नी पिंगा को दे दिया। पिंगा जो थी वो कोतवाल पर मोहित थी, तो वो फल उसने कोतवाल को दे दिया। कोतवाल वेश्या पे मोहित था, तो उसने वो फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने कहा कि अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं ज़िंदगी भर जवान रहूँगी और ये गंदा काम मुझे करना पड़ेगा। उसने ये फल वापस राजा को दे दिया। जब राजा ने ये फल देखा तो वो हैरान रह गया। उसने वैश्या से पूछा कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। उसने बताया कि कोतवाल ने मुझे दिया। तो उसने कोतवाल को बुलाया, कोतवाल से पूछा, तो कोतवाल ने बताया कि वो महारानी पिंगा ने दिया है। तब राजा को पूरी सच्चाई का पता चला। पत्नी के धोखे के कारण राजा ने अपना राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर एक गुफा में तपस्या करने चले गए। गुफा में राजा ने 12 साल तक तपस्या की। गुफा में भर्तारी की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। मान्यता है कि यहाँ पे एक और गुफा है जिससे चारों धाम के लिए रास्ता जाता है। राजा भर्तारी धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ भर्तारी केव। अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है। और ये पूरी स्टोरी लिख रखी है यहाँ पे। यहाँ पे गौशाला भी बनी हुई है।
दोस्तों ये था भृतारी केव यानी गुफा, बहुत ही सक्रिय थी, बहुत ही छोटी थी, अंदर बिल्कुल बैठ के जाना पड़ रहा था। आप देख ही रहे वीडियो में, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नैरो थी बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि यहाँ से जो है चार धाम को भी रास्ता जाता था पहले, चार धाम यात्रा पे जो जाते थे उसके लिए रास्ता जाता था इसी गुफा से। दोस्तों इस ब्लॉग को ये ख़त्म करते हैं और मिलता मैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे और मेरे चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। मिलता मैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।